नहनु खलकनाकुम फलौला तसद्दिकून, हमने तुझे पैदा किया था और तू क्यामत का मुनकिर हो गया, तस्दीक क्यों नहीं करता क्यामत के दिन की। अफराई तुम मा तुम नून, बताओ जो तुम मनी का कतरा टपकाते हो, अअंतुम तखलुकून अव नहनु खालिकून, उस कतरे को इंसान बनाकर हम पैदा करते हैं या तुम पैदा करते हो, किसी बहाव को तो पता नहीं। बल अंता या रब, बल्कि ए रब तू ही करते हैं। नहनु कद्दरना बैनकुम मौत व बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमस्बूकीन, हमने ही मुकर्रर की है तुम्हारे दरमियान मौत और हम आजिज नहीं हैं। अला अन नुबदिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फी मा ला तअलमून, अगर हम चाहें तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दें और तुमको किसी ऐसी सूरत में पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते हो, यानी कुत्ता बना सकते हैं तुम्हें, खिंजीर बना सकते हैं, अल्लाह ताला तो कुछ भी करने पे कादर है। वलकद अलिमतुमुन नशअतल उला फलौला तज़क्करून, तुम्हें अच्छी तरह इल्म है अपनी पहली पैदाइश का तो तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते हो, नसीहत क्यों नहीं हासिल करते, जिस रब ने तुम्हें एक बेकदर मनी के कतरे से इतना बड़ा इंसान बना दिया, वो तुम्हें गले सड़े हुए उस राख में से दोबारा जिंदा करके मुकम्मल इंसान नहीं बना सकता। अफराई तुम मा तहरुसून, भला तुमने कभी गौर किया कि जो तुम खेती बोते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या उस दाने को उगा के तुम बड़ा करते हो या हम करते हैं। ओए होए सर, हमें तो पता ही नहीं है, किसान तो बखेर के चला जाता है और वो ऐसे ऊपर से ही वो फेंक रहे होते हैं बीज, अगर एक एक बीज को अंदर अंदर करना पड़ जाए तो लग पता जाए, एक बेकदर बीज जो है वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। अल्लाह तआला फरमाते कौन निकाल रहा है इसे, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफक्कहून, अगर हम चाहें तो सारी खेती को चूरा चूरा ही बना दें और तुम कफे अफसोस ही करते रहो, यानी तुम बो के गए हो, पानी भी डाला है, कुछ निकले ही ना, गारे सारे का सारा चूरा ही उसमें से निकले, तुम क्या कर सकते हो, खुदा का कुछ बिगाड़ सकते हो। इन्ना लमुग्रमून, और फिर तुमको हाय, हम तो कर्जों के बोझ तले दब के, यानी इतनी मेहनत की थी, आउटपुट 0, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो बड़े बदनसीब रह गए। अफराईतुमुल माल लदी तशरबून, क्या तुमने गौर किया ये जो पानी तुम पीते हो, अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने इसे बादलों से उतारा है या हम उतारने वाले हैं। सर सिर्फ पानी खत्म हो जाए ना तो दुनिया से सारी जिंदगी खत्म हो गई, और कुछ खत्म करने की जरूरत ही नहीं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तो पानी को खत्म करना तो दूर की बात है ना, अगर छोटा सा काम कर दें कि इस पानी को हम खारी बना दें, सख्त कड़वा नमकीन, तो फिर भी तुम्हारे काबिल तो नहीं रहेगा। समुंदर का पानी आप पी नहीं सकते, आम बंदों को नहीं पता, उधर ना समुंदर में जो कश्तियों में बेचारे, तो वो कई प्यास से ही मर जाते हैं, तो लोग मुझे अगले दिन बच्चा ही पूछ रहा था कि बाबा पानी क्यों नहीं समुंदर का पी लेते, मैंने कहा समुंदर का पानी पी के तो मौत वाकई हो जाती है, क्योंकि वो तो नमकीन होता है, वो तो काट देता है हर चीज को, पीने वाला पानी तो नहीं होता, इल्ला ये कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाए। तो अल्लाह तआला फरमाता है कि अगर हम उसको नमकीन बना दें तो वो तुम्हारा पानी भी काम करना है। फलौला तशकुरून, तो तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अफराईतुम अन्नार अल्लती तूरून, क्या तुमने गौर किया जो आग तुम सुलगाते हो, अअंतुम अनशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम इसे पैदा करने वाले हैं। सर इस दरख्त के अंदर जो अल्लाह ने आग रख दी है, एक तो खास अरब के इलाके में दरख्त पाया जाता है ना जिसके पत्तों को रगड़े तो उसमें से आग निकलती है, हर दरख्त के अंदर पोटेंशियली आग मौजूद है। आप देखें जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते, अभी तक साइंस सिर्फ या हम फिजिकल फिनोमेना से मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, एनर्जी कभी मास में नहीं कन्वर्ट हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लकड़ी जलाएं और उसमें से आग निकले, वो हीट उस आग से दोबारा लकड़ी बनी है कभी, लेकिन साइंस कहती है ये पॉसिबल है, इरिवर्सिबल है, और अल्लाह ताला ने पॉसिबल किया हुआ। सर रोजाना जो है वो जनाब मिलियंस ऑफ टन लकड़ी बन रही है सूरज की रोशनी से, देखें ना उस रोशनी से ही पत्ते जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं और एक बीज बोते हैं और इतनी बड़ी लकड़ी बन जाती है। तो अल्लाह ताला हमारा ये लकड़ी तुमने पैदा की, हमने नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिल्मुक़वीन, हमने बना दिया है इसको नसीहत और फायदा मंद मुसाफरों के लिए, यानी इन दरख्तों के अंदर ये नसीहत है कि ये किसी के बनाने से बने हैं, मुसाफरों के लिए फायदा मंद है कि वो उसकी छाँव के अंदर बैठते हैं।
और ज़ाहिर है कि अगर ये आग दुनिया से ख़त्म हो जाए तो आप कोई चीज़ पका के खा नहीं सकते। अल्लाह तआला ने कितनी बड़ी नेमत रखी है, आग ज़हमत भी है और नेमत भी है। فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم। اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔